हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए फगवाड़ा सराय ट्रस्ट के चेयरमैन बालकृष्ण बाधवा ने बताया कि सन 1977 में महंत शिवगिरी ने सराय निर्माण के लिए एक भूमि टुकड़ा दान किया था, जिस पर दानी लोगों के सहयोग से 3 मंजिला भवन तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2003 में मंदिर ट्रस्ट और सराय ट्रस्ट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, इसके तहत 2 बार लीज मनी भी जमा करवाई गई है। उन्होंने बताया कि मार्च 2004 में रकबा शुद्धि के नाम पर लीज रद्द कर दी गई, जिसके बाद धारा 118 की आड़ में दोबारा ना बनाया गया। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को महंत राजेंद्र गिरी और उनके भक्तों ने सराय पर नाजायज कब्जा करके सराय को नुकसान पहुंचाया। इस बारे में पुलिस में बकायदा FIR भी दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए, अन्यथा इंसाफ को लेकर सराय ट्रस्ट के लोग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। गौरतलब है कि महंत राजेंद्र गिरी ने भी एक बयान जारी कर धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को दुष्प्रचार से बाज आने की नसीहत दी थी। महंत राजेंद्र गिरी ने जारी प्रेस बयान में कहा था कि जिस सराय को लेकर पंजाब के फगवाड़ा के कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस कथित सराय की भूमि पर उनका पैतृक और परंपरागत मालिकाना हक है। फगवाड़ा धर्मशाला के नाम से दियोर सिद्ध में हमारी एक सराय है, जो हमने 1970 तब ब्राह्मलीन महंत शिवगर जी महाराज ने हमें वो स्थान दिया था 6500 का रकबा, उस पर हमने जो वो सराय बनाई थी। 70 से लेकर 80 तक 3 साल हमें लग गया वो सराय का निर्माण करते। ट्रिपल स्टोरी हमारी वो सराय है, जिसमें 25 कमरे हैं, 4 हॉल हैं। उसके बाद 87 में ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट वालों ने महंत जी की जगह टेक ओवर कर ली। हमें भी बुलाया गया, अभी आपका जो सराय बनी कैसे है, तो हमने बोला ठीक है, हम डॉक्यूमेंट जो है आपको दिखा देते हैं। तब हमारे रेजिडेंट जो थे कालिया जी, उन्होंने महंत जी को बोला भी ऐसे है, ऐसे मेरे को ट्रस्ट के टेम्पल ऑफिसर ने हमें बुलाया, आपका स्टेटस क्या है। तो हमें तब यही गाइडलाइन दी गई भी आप कोर्ट में चले जाओ, मेरी जगह सारी ले लीजिए, सराय भी नहीं तो ले लेंगे। तो हमने कोर्ट में जाकर केस कर दिया और कोर्ट में हमने स्टे ले ली। उसके बाद हमारा जो ट्रस्ट के साथ कंप्रोमाइज हुआ, उनके जो तब उनके थ्रो लीगल एडवाइजर मिस्टर कोची, 28 तारीख मिड नाइट रात को महंत ने कब्जा कर लिया। तो हमें जो हमारा स्टाफ था रात को बंदी बना लिया जी। महंत कह रहा मैं कोर्ट में जीता, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट न्यायालय जो भी है, हम हमारे लिए वो सर्वोच्च न्यायालय है, हम उन सभी का करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन इन्होंने जो इलीगल वे रात को मिडनाइट को कब्जा कर लिया हमारे सराय का, हमारे जो वहाँ स्टाफ था उनको बंदी बना लिया, हमारा सारा रिकॉर्ड उठा कर ले गए, जितने रिसीद बुके थी, रजिस्टर था, जो स्टॉक मेंटेन किया था, कैमरे तोड़ दिए, DVR उठा कर ले गए, सारा रिकॉर्ड उठा कर ले गए। उनके महंत के बंदे थे 3-4, बाकी अनआइडेंटिफाइड बंदे थे। तो हमने 29 सुबह जाकर FIR दर्ज कराई जो इन आदमियों के खिलाफ। आपने काफी समय लगा दिया इसको पुट अप करने में मीडिया के सामने, क्या कारण नहीं सर? हम पुट अप सामान्य लगाया, हम वहाँ पंजाब में ऐसे करते रहे, अफसरों से मिलते रहे, DSP साहब से भी बात होती रही हमारी, STM साहब बात होती रही, तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी उनसे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सभी से हम बातचीत करते रहे, तो प्रोसेस चलता रहा। तो वहाँ से भी हम करते रहे, मीडिया में आते रहे, हमारी सोशल मीडिया पर भी हम आते रहे। हमने जो भी काम किया पीसफुली किया, हमने कोई ऐसी बात नहीं की भाई जिससे हमारा कोई कानून व्यवस्था कार्रवाई नहीं करती, ये क्या कानून। अभी जो पुलिस को आज भी मिले तो उनको यही बात थी, वो कहते हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने हमारी मीटिंग कराई, महंत जी के कोई आदमी आए थे तो हमें पूछा कि आप क्या चाहते हैं, हमने कहा हम तो सराय चाहते, हमारी बुजुर्गों की बनाई सराय है, हमने अपने मोटों पर सरिया ले जाकर रखा हुआ वहाँ बनाया। तब तो कोई सड़क भी नहीं थी, कोई ऊपर व्हीकल ट्रक वगैरह नहीं जाते, तो हमने खुद अपने सिर पर मोटे पर उठा उठा कर सारा मटेरियल वहाँ लगे। सराय बनाने में 3 साल लगे, लाखों रुपये हमने वहाँ लगा, करोड़ों रुपया लगा हमारे सराय पर। उसके साथ अटैच बाथरूम बने हुए, और हमारे पर ये भी देखो इतनी अच्छी सराय, भव्य सराय बनाई हमने, हमें लग्जरी टैक्स भी सरकार ने लगा दिया, हिमाचल सरकार ने। अगर हमारी ना सराय होती तो सरकार हमें नोट्स क्यों भेजती, लग्जरी टैक्स क्यों लगाते। 22 डिपार्टमेंट के पास NOC हमारे पास है, हमारा उसमें एग्जिस्टेंस है, तभी लगा बिजली का मीटर हमारे नाम का। अब आपकी डिमांड जो हमें सराय वापस जल्दी से जल्दी मिले, और जो कल्प्रित है जिन्होंने ये रात को ताले तोड़कर कब्जा किया उनको अरेस्ट किया जाए। हम पीसफुली करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम बैठकर अपना प्रशासन जो पीसफुली करेंगे, भूख हड़ताल रखेंगे, वो तो हमारा अधिकार है, वो तो कोई रोक नहीं सका। बैठकर भूख हड़ताल करेंगे कब से जब अगर हमें प्रशासन कहेगा, अगर नहीं होगा तो हम ये करेंगे, हम कोर्ट में जाकर कोर्ट में भी जाएंगे,
कानून का न्यायालय का दरवाजा खड़काएंगे, हमारे साथ धक्का हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। सीएम से भी आपने डिमांड किया? सीएम से हम मिले, सीएम साहब से मिलकर आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था आपको 15-20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, आपकी सराय के रिगार्डिंग जो आपसे धक्का हुआ वो आपका सुना जाएगा, आपको सराय वापस दिलवाई जाएगी। ये हमारी सीएम साहब से बात हुई थी। एच टुडे के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।